Welcome students to chemistry concept, and now we learn that how can we find out the oxidation number of a metal in coordination compound. And actually we need to it is necessary for us that we calculate the oxidation number of a metal in coordination compound accurately, because बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. अगर आपको IUPAC नेमिंग लिखनी है, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा. अगर आपको VBT या CFT के थ्रू भी कोई प्रॉपर्टी निकालनी है मेटल की, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत जरूरी है, एक्यूरेटली निकालना बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डू एरर इन दिस. मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इजीली निकाल सकते हैं और एक्यूरेटली भी. लेकिन उसके लिए ना आपको कुछ पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स की के ऊपर चार्ज कितना होता है. ये सब नेगेटिव लिगेंड्स हैं, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स, दीज आर कैटायनिक लिगेंड्स. इसके अलावा जितने भी हैलोजन होंगे जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे -1 चार्ज होगा. इसके अलावा एक इथिलीन डायमाइन होता है, CH2, CH2, NH2, NH2, जिसे हम कई बार शॉर्ट में EN से दिखाते हैं. दिस इज न्यूट्रल, इट डजंट हैव एनी चार्ज ऑन इट. तो आपको लिगेंड्स के चार्जेस मालूम होने चाहिए, तो आप बड़े इजीली से कैलकुलेट कर पाएंगे मेटल का ऑक्सीडेशन से. शुरू करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल ऑफ कोबाल्ट. अच्छा, कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, परफेक्ट. अच्छा, कोबाल्ट के साथ क्या क्या अटैच्ड है? अमोनिया अटैच्ड है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑफ द अमोनिया? इट्स जीरो. देयर आर 6 अमोनिया, सो 6 × 0 इज 0. देयर आर 3 क्लोरीन, ईच क्लोरीन इज -1, सो कलेक्टिवली द चार्ज इज -3. कितना चार्ज आया? -3. तो जो मेटल पे चार्ज होगा ना, वो इसके अपोजिट यानी कि +3 होगा. दैट्स इट. इन द सेम वे अगर सेकंड वाले बात किया जाए, हमारे पास में 5 अमोनिया है, अमोनिया का 0 होता है. हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन -1 होता है, बाहर भी कुछ क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के -1 हो गए. तो जो टोटल हुआ ये चार्ज, ये हुआ -3. तो कोबाल्ट पे कितना होगा, मेटल पे कितना होगा? यस, अपोजिट, +3. इन द सेम वे अगर इस कंपाउंड की बात की जाए, पोटेशियम होता है +1, 3 पोटेशियम है ईच विद +1, साइनाइड होता है -1, तो 6 साइनाइड है ईच विद -1. दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो हमें मिलेगा +3 - 6, विच कम्स आउट टू बी -3. तो मेटल आयरन पे कितना चार्ज होगा? इसका अपोजिट, यस, कितना? +3. सिमिलरली अगले वाले में देखा जाए, अगेन वी हैव 3 पोटेशियम ईच विद +1. हमारे पास में 3 ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन का चार्ज होता है -2, ठीक है. तो हमारा कितना हुआ? 3 + 1 + 3 × -2, विच कम्स आउट टू बी 3 - 6 + 3. तो यहां पर भी मेटल पे कितना चार्ज है? आयरन पे चार्ज हुआ माइनस थ्री. तो मेटल पर आएगा, आयरन पर आएगा +3. ओके, अगर इस कंपाउंड की बात की जाए, हमारे पास में 2 पोटेशियम है, पोटेशियम इज +1. वी हैव 4 क्लोरीन, क्लोरीन इज -1, सो नेट चार्ज इज +2 - 4, कम्स आउट टू बी -2. -2 सब लिगेंड्स एंड आयन का चार्ज हुआ, तो मेटल पर कितना होगा? उसका अपोजिट +2. लास्ट वाले देखते हैं, पोटेशियम के ऊपर चार्ज अगर निकालना है, वी हैव 2 अमोनिया, अमोनिया इज 0, फाइन. वी हैव अ क्लोरीन, क्लोरीन इज -1. वी हैव मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन इज ऑल्सो 0. वी हैव अनदर क्लोरीन, क्लोरीन इज -1. सो नेट चार्ज इज व्हेन वी ऐड देम ऑल -2, सो मेटल विल बी इन +2 चार्ज, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू. ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट था,
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का। अब जरा इन आयंस का निकाल करके देखते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कुछ चार्ज लगा हुआ हो तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। वो क्या आएंगे? स्टार्टिंग में तो आप इस चार्ज को करिए इग्नोर। ओके, सो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्म में गिवन हो, आयंस की फॉर्म में, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप बिगिनिंग में इस चार्ज जो लिखा हुआ है सब भूल जाइए, इग्नोर दिस। सिंपली जो हमने पहले मेथड यूज किया है उसके मेथड से मेटल के ऊपर का चार्ज निकालिए, जैसे अमो वाटर होता है जीरो, इट्स न्यूट्रल, साइनाइड इज -1, ईएन फिर से जीरो है। तो नॉर्मल तरीके से आप चार्ज निकाल दीजिए तो जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया, -1। अब ये जो चार्ज गिवन है ना इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, उसे हम माइनस कर देते हैं, जो चार्ज गिवन है उसमें जो निकल के आया उसमें से, यानी कि हम -1 में से माइनस कर देंगे +2, विच कम्स आउट टू बी -3। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज हो गया +3। इन द सेम वे चार क्लोरीन है, सो द चार्ज इज -4। अब इसमें ये जो है ना इसे माइनस कर दो, यानी -4 में से माइनस करते हैं -2, विच कम्स आउट टू बी -2। तो प्लैटिनम पे चार्ज हो गया अपोजिट उसका +2। द सेम वे ब्रोमीन, दो ब्रोमीन है, ईच ब्रोमीन इज -1, दो ईएन है, ईच ईएन इज 0, सो चार्ज इज -2। अब इसमें जो +1 चार्ज है ना, इसे इसमें से माइनस करना होता है, तो माइनस में +1, विच कम्स आउट टू बी -3। सो चार्ज ऑन द कोबाल्ट वुड बी +3। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर था, और अगर क्लियर था तो आप लोग इस कंपाउंड के अंदर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और कमेंट में लिखिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट मैं उसे ठीक आंसर बताऊंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।